नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आने लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग ऑपरेशन की लीनियर एरे पे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे ऑपरेशंस लिखा हुआ है, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन तक का कवर कर लिया है। वो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आई बटन में आएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, लेक्चर आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग ऑपरेशन की। सॉर्टिंग के कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके हम फर्दर डिटेल में आगे अभी अपकमिंग यूनिट में आएगा तो वहाँ पे हम बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम एक सिंपलेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक और ओवरव्यू के साथ डिटेल में चलेंगे और उसके एल्गोरिथम भी देखेंगे, प्लस साथ में हम टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम लेता है एल्गोरिथम आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रिजल्ट देने में। तो सॉर्टिंग सिंपली हम कह सकते हैं, सॉर्टिंग रेफर टू द ऑपरेशंस ऑफ रीअरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, सॉर्टिंग का मतलब केवल केवल इंक्रीजिंग नहीं होता, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सॉर्टेड होता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में हम ओवरऑल जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक की बात करेंगे वहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की ही बात करके चलेंगे। तो सिंपली सॉर्टिंग क्या है कि कोई भी आपको एरे दिया हो उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, अब उस सारे एलिमेंट को एक ऑर्डर में करना है, मतलब सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें यहाँ पे कोई आपका एरे, सपोज करो इस तरह से है, अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, ये आपका एरे सपोज ए है, तो जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो एलिमेंट आफ्टर सॉर्टिंग कुछ इस ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब ए वन इज लेस देन ए टू इज लेस देन ए थ्री इज लेस देन ए फोर इज लेस देन ए फाइव। मतलब समझ रहे होंगे आप कि जो इसमें एलिमेंट होगा आफ्टर सॉर्टिंग, आपको बिफोर सॉर्टिंग आपका कोई भी एलिमेंट किसी भी जिग जैग फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन आफ्टर सॉर्टिंग जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा रिजल्टेंट वो इस ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब यहाँ जो पहला एलिमेंट आएगा वो दूसरे से छोटा होना चाहिए, फिर दूसरा जो होगा वो तीसरे से छोटा होना चाहिए, इसी तरह से जो फोर्थ होगा वो फिफ्थ से छोटा होना चाहिए। अगर इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है देन हम कहेंगे कि आपका एरे क्या है, सॉर्टेड एरे है। अब बात करते हैं टेक्निक की। तो यहाँ पे एक टेक्निक है आपका बबल सॉर्ट, जो कि सबसे सिंपलेस्ट तरीका है किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है, जैसे सपोज करो कि आपको कुछ इस तरह से एलिमेंट दे दिया गया 10, 20, 15, 13 और 25, इस एरे को अगर देखें तो यहाँ पे आपका एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, तो यहाँ पे जिग जैग फॉर्मेट दिया, अगर ऐसा एलिमेंट एरे दिया जाए तो बबल सॉर्टिंग उसको सॉर्ट कैसे करेगा और सॉर्ट करके आउटपुट क्या देना है, आउटपुट देना है आपको कि सारे एलिमेंट सॉर्टेड हों। सॉर्टेड मतलब इस मैनर को फॉलो करें, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाए, इससे ग्रेटर यहाँ पे आ जाए, इससे ग्रेटर यहाँ पे, इससे ग्रेटर यहाँ पे और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉर्टेड हो जाएगा। यही चीज़ आपको हम किसके थ्रू करेंगे, बबल सॉर्ट टेक्निक के थ्रू। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि बबल सॉर्ट टेक्निक काम कैसे करता है, उसके बाद हम एल्गोरिथम पे भी चलेंगे, यहाँ पे एल्गोरिथम दिया गया है, इस एल्गोरिथम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में फाइनली हम टाइम कम्प्लेक्सिटी टाइम कंप्यूटर के दिखाएंगे कि वो आपका एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो बबल सॉर्ट टेक्निक है, एज्यूम करके चल रहे हैं हम कि कोई भी आपका एरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरह से है A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक, ठीक है, कोई आपका एरे है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट A दिए हुए हैं। अब बबल सॉर्ट स्टार्ट कैसे करता है, बबल सॉर्ट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड से कंपेयर करेगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ पर दिया गया है A1 इज लेस देन A2, देन तो सिंपली काउंटर आगे बढ़ेगा और हम फिर इसको इसको कंपेयर करेंगे सेकेंड और थर्ड को। अगर यहाँ पे कंडीशन वायलेट कर रही है तो इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे मतलब सपोज करो कि यहाँ पे A1 लोकेशन बड़ा बड़ा एलिमेंट है, यहाँ पे छोटा एलिमेंट है, तो इसके पोजीशन को हम स्वैप कर लेंगे और फिर इस पोजीशन से इसको कंपेयर करेंगे, फिर वही कंडीशन चेक करेंगे, अगर स्वैपिंग हो रहा है तो स्वैप कर लेंगे और फिर यहाँ से इसको करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हर एलिमेंट को आपको टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन अगर फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हम N-1 यहाँ पे होगा। चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट फेज आते हैं
इसको हम कहते हैं पास वन। पास वन में हम क्या करेंगे, पास वन में स्टार्ट करेंगे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर ए वन एंड ए टू, ठीक है, इसी दोनों को लेंगे पहले, और इसके बाद एंड अरेंज इन ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, ए वन इज लेस देन ए टू, ये ऑर्डर होना चाहिए। पहले हम इसको कंपेयर कर लिए, इसके बाद उसको ऑर्डर चेक कर लेंगे, नहीं होगा तो इस ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेंगे। देन कंपेयर ए टू एंड ए थ्री एंड अरेंज इन ऑर्डर ए टू लेस देन ए थ्री, ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू आगे चलेंगे हम, और लास्ट में यहाँ आएंगे कंपेयर ए एन माइनस वन एंड ए एंड अरेंज इन ऑर्डर ए एन माइनस वन इज लेस देन ए एन। समझ में आया आपको, पहले पास में क्या किया, पहले पास वन मतलब फर्स्ट कंप्यूटेशन में क्या करेगा कि यहाँ से सारे को एलिमेंट को कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल, तो ये टोटल कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन होंगे, देखिए वन से लेकर एन माइनस वन तक जा रहा, मतलब एन माइनस वन कंपेरिजन होंगे। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जैसे ही ये प्रोसेस पूरा यहाँ तक कंप्लीट होगा, जो भी एरे में जो एरे यहाँ पे दिया है ए वन से लेके ए एन तक, इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑटोमेटिक लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, मतलब जो ए एन लोकेशन होगा यहाँ पे, इस लोकेशन पे ऑलरेडी सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंच चुका होगा। इसके पास बाद हम शुरू करते हैं पास टू। पास टू में हम फिर से यही काम करेंगे, ए रिकर्सिवली काम करते रहेंगे, फिर से काम करेंगे, तो कंपेयर ए वन एंड ए टू एंड अरेंज इन ऑर्डर ए वन लेस देन ए टू। अब देखो हमने क्या किया कि जब ए पास वन कंप्लीट किया, उस टाइम सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पहुँच चुका है, एन पोजीशन पहुँच चुका है। अब हम वहाँ पे अब दूसरे टाइम जब सेकेंड पास में चलेंगे, तो उस लास्ट एलिमेंट में जो लार्जेस्ट नंबर पहुँच चुके हैं, पहुँच चुका है लास्ट में, उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता चल गया वो लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो उससे एक पहले तक, मतलब जो दूसरा आपका कंपेरिजन चलेगा यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे एन कंपेयर ए एन माइनस टू से एंड ए एन माइनस वन, और इसका ऑर्डर किस ऑर्डर में होगा, ए बी सी ऑर्डर में होगा, ए एन माइनस टू लेस देन ए एन माइनस वन। अब देखिए इसके बाद हम इसमें नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो एक एलिमेंट था जो हमने बता दिया कि लास्ट में पहुंच चुका है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल पास टू में कंपेरिजन कितना हुआ, यहाँ हुआ एन माइनस टू, ए एन माइनस टू कंपेरिजन यहाँ पे ऐसे होगा। इसी तरह कैसे हम आएंगे पास थ्री में, पास थ्री में अगेन यही काम होगा, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे कंपेयर ए वन एंड ए टू, और ऑर्डर में अरेंज करेंगे कौन सा, ए वन इज लेस देन ए टू, ठीक है। अब ये कब तक चलेगा, कंपेयर अगेन देखिए, अब जब ए वाला कंप्लीट होगा, जब ए वाला कंप्लीट होगा, तो जो उस एरे में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, वो लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पहुँच चुका होगा, ए एन माइनस वन वाले लोकेशन में पहुँच चुका होगा। तो दो जितने पास कंप्लीट होते जा रहे हैं, उतना एलिमेंट क्या हो रहा है, अपने प्रॉपर पोजिशन पर पहुँचता चला जा रहा है एरे में। तो इस तरह से इस टाइम जो लूप चलेगा आपका, यहाँ तो जो कंपेयर चलेगा कहाँ चलेगा, ए एन माइनस थ्री एंड ए एन माइनस टू, ऑर्डर कौन सा होगा, ए एन माइनस थ्री लेस देन ए एन माइनस टू, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन पास टू में, पास थ्री में कितने होंगे, एन माइनस थ्री, क्योंकि यहीं तक जा रहे हैं हम, ए वन से एन माइनस थ्री तक जा रहे हैं, तो एन माइनस थ्री होगा। ऐसे ही कहाँ तक आएंगे हम, पास एन माइनस वन तक आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पास कितना चलेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने माइनस वन नंबर ऑफ पास चलेंगे, पास एन माइनस वन आएंगे। तो यहाँ पे केवल एक कंपेरिजन होगा, कंपेयर ए वन एंड ए टू,
और इसको अगर ऑर्डर में होगा, अगर ऑर्डर में नहीं है तो इसको इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ए वन इज लेस देन ए टू। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिएगा, जो समझने वाली बात थी कि फर्स्ट पास में टोटल नंबर ऑफ पास, अब यहाँ समझेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पास कितना चलेगा बबल सॉर्ट में, टोटल नंबर ऑफ पास चलेगा एन माइनस वन, मतलब जितने एरे में एलिमेंट होंगे उतने माइनस वन नंबर व पास चलेंगे। और हर पास में अगर फर्स्ट पास देखें, या इसको हम स्टेप कर सकते हैं, फर्स्ट पास में एन माइनस वन कंपेरिजन होगा, सेकेंड पास में एन माइनस टू होगा, थर्ड पास में एन माइनस थ्री होगा, ऐसे एन माइनस वन पास में कितना होगा, केवल केवल एक कंपेरिजन होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं, जो अपने अभी हमने कहा इसको हम एग्जाम्पल से भी एक सॉल्व करके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये सपोज हमने अरे ले लिया, पांच एलिमेंट का अरे ले रहे हैं ताकि इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया सपोज 20, 19, 13, 25 एंड 15। ठीक है, इस तरह से हमने एलिमेंट ले लिया, ये आपका एरे है, इसका पोजीशन अगर ले लें तो ये 1 है, 2, 3, 4, 5 है। जब ये एरे आपको दिया है सिंपली, तब इस पे मुझे बबल सॉर्ट अप्लाई करना है। बबल सॉर्ट अप्लाई करने के लिए जैसा मैंने प्रोसेस दिखाया पीछे कि हम पास में चलेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पास, पास वन, कितने नंबर आप पास चलेंगे, ध्यान दीजिए जितने नंबर आप एलिमेंट होंगे उससे एक कम पास चलेगा, मतलब पास वन यहाँ पर पाँच है तो पास कितना चलेंगे, पाँच माइनस वन इक्वल टू फोर, फोर पास तक जाएगा, फोर पास में ही आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर आप पास कहाँ तक चलेगा, एन माइनस वन तक, पास वन में। चलिए पास वन में हम कंपेयर किसको करेंगे, समझते चलिएगा, हम कंपेयर करेंगे ए वन और टू को, पहले हम इससे कंपेयर करेंगे। जब पास वन इसको कंपेयर करेंगे तो चेक करेंगे क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर मतलब कि ए वन लोकेशन की वैल्यू ए टू लोकेशन की वैल्यू से कम होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, नहीं है तो इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19 और यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, बाकी पोजिशन एलिमेंट अभी हम सेम रख रहे हैं। इसके बाद पास वन में पहले चले, इसके बाद अब देखिए फर्स्ट पोजीशन से इसका कंपेयर हो गया, अब इस सेकेंड पोजीशन से इसका कंपेयर होगा, क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव पे पोजीशन है। अब अगर इसका पोजीशन देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 20 और 13, अगेन क्या है, 20 इज ग्रेटर देन 13, तो यहाँ पे ऑर्डर में नहीं है, हम क्या करेंगे फिर से इसको इंटरचेंज करेंगे। अब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ 19 हो जाएगा, 13 आ जाएगा यहाँ, 20 आ जाएगा यहाँ, 25 यहाँ और 15 यहाँ पे। अब किसका कंपेरिजन होगा, सेकेंड थर्ड लोकेशन का तो हो गया, थर्ड और फोर्थ लोकेशन का होगा, मतलब अब कंपेरिजन होगा इसका। अगर इसका कंपेरिजन देखें तो ये क्या है, अपने ऑर्डर में है, अपने ऑर्डर मतलब 20 इज लेस देन 25, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो ये ऑर्डर में है, इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे इसका कंपेरिजन, जब इसका कंपेरिजन करेंगे तो 25 इज ग्रेटर देन 15, मतलब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, 13, 20, अब ये स्वैप होगा तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 25। अब देखिए जैसे ही सारा कंपेरिजन हर एलिमेंट का हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना हुआ आप समझे, पहला कंपेरिजन देखिए इसके बीच में हुआ 1, फिर इसके बीच में हुआ सेकेंड, इसके बीच में हुआ थर्ड, इसके बीच में कितना हुआ फोर्थ, तो चार कंपेरिजन हुआ, चार कंपेरिजन मतलब पास वन में कितने कंपेरिजन, चार, चार मतलब यहाँ पे पाँच एलिमेंट है तो एन माइनस वन मतलब पाँच माइनस वन इक्वल टू चार कंपेरिजन यहाँ पे हुआ, तो इसलिए हम कहेंगे पास वन में टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना होगा इन जनरल एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि जो पास वन कंप्लीट होते टाइम सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, जो एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो देखिए आपने लास्ट लोकेशन पे पहुंच चुका है, लास्ट लोकेशन पहुंच गया मतलब जब पास टू चलेंगे तो पास टू के टाइम मुझे इसको इंक्लूड नहीं करना कंपेरिजन में, जब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास एरे की साइज कितनी बचेगी, वन टू थ्री फोर, चार ही तो साइज बचेगी जिसको कंपेयर करना है अभी, तो कंपेयर कितना होगा, एक इससे कंपेयर होगा, फिर इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने होंगे, थ्री कंपेयर होंगे यहाँ पे। चलिए कंपेयर करते हैं पास टू में और देखते हैं, अब इसका इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 13 आ जाएगा यहां पे और 19 आ जाएगा यहां पे, 20, 15 और 25 ऐसे ही होगा। अभी इसके बाद फर्स्ट कंपेरिजन तो हो गया, सेकंड कंपेरिजन इससे इससे होगा, सेकंड कंपेरिजन होगा तो अपने ऑर्डर में है, फिर थर्ड कंपेरिजन होगा इससे इससे, जब इससे इससे होगा तो अपने ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि 15 यहां होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, 20 यहां होना चाहिए, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे,
कंपेयर करके करेक्ट कर लेंगे, 13, 19 और यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ 25, ठीक है। इसका कंपेयर हो गया, इसका कंपेयर जब हो गया तब देखिए अब आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कंपेरिजन में, लास्ट वाले एलिमेंट का। तो तीन कंपेरिजन हुए, अब जब पास टू कंप्लीट हुआ तो उस टाइम देखिए जो एरे का सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपने लोकेशन में पहुंच चुका है, लास्ट से सेकेंड पोजिशन पर। इसके बाद अब नेक्स्ट पास चलेंगे तो हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे, मतलब पास थ्री में, पास थ्री में जब चलेंगे तो अच्छा पास थ्री से पहले देखिए इसमें कितने कंपेरिजन, केवल तीन कंपेरिजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पाँच था, कंपेरिजन तीन हुआ, मतलब एन माइनस टू कंपेरिजन हुआ यहाँ पे। ऐसे ही जब पास थ्री में आएंगे तो पास थ्री में कंपेरिजन कितने होंगे, वन एक इसका होगा एक इसका होगा, मतलब दो ही कंपेरिजन होगा। तो पास थ्री में दो ही कंपेरिजन मतलब एन माइनस थ्री कंपेरिजन होगा। क्या कंपेरिजन होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 13 है या 19 है, ऑर्डर में है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सेम स्किप करेंगे, 13 और 19 होंगे, ठीक है। और यहाँ 15 होगा और यहाँ 20 और 25 तो पहले से सॉर्टेड है, वो आ रहा है अपने प्रॉपर प्लेस पे। अब इसको इसको ऑर्डर चेंज कर चेक करना है, 19, 15 एक्सचेंज होगा क्योंकि 19 इज ग्रेटर देन 15 है, तो यहाँ 13 यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 19 यहाँ 20 और यहाँ 25, ये आपका आ जाएगा पास थ्री कंप्लीट होते टाइम। पास थ्री कंप्लीट हुआ देखिए जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपने पोजीशन पहुंच चुका है। इसके बाद अब इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, अब लास्ट पास आएगा पास फोर। जब पास फोर आएगा तो पास फोर में कितने एलिमेंट बचे, केवल दो ही एलिमेंट बचे हैं, कंपेरिजन कितना होगा, केवल केवल एक कंपेरिजन होगा, किसका, 13 और 15 का कंपेरिजन होगा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है तो सेम रिजल्ट आपका प्रिंट कर देगा, मतलब यहाँ 13, 15, 19, 20 और 25, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉर्टेड एरे आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल नंबर ऑफ पास और हर पास में नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने हो रहे हैं। होप सो आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यही चीज मैटर करता है। तो कितने नंबर ऑफ पास लगेंगे फिर समझ लीजिए, अगर एन एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे यहाँ पे पाँच एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पास कितने लगे, एलिमेंट पास थे, नंबर ऑफ पास लगे आपके चार, और हर पास के अंदर जो कंपेरिजन हुआ, पहले पास के अंदर कंपेरिजन हुआ चार, दूसरे पास के अंदर थ्री, तीसरे पास के अंदर टू और फोर्थ पास के अंदर वन कंपेरिजन हुआ, और आपका एलिमेंट क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसी को अगर हम फार्मूला रूप दें तो अगर आपका एलिमेंट है एन तो टोटल नंबर ऑफ पास चलेगा 5-1 मतलब एन माइनस वन, और फर्स्ट पास में कितने चलेंगे, फर्स्ट पास में जो कंपेरिजन होगा कितना होगा, एन माइनस वन मतलब यहाँ पे चार है मतलब 5 n-1, और सेकेंड पास में कंपेरिजन कितना होगा, एन माइनस टू, थ्री है क्योंकि यहाँ पे, थर्ड में कितना होगा एन माइनस थ्री, ऐसे ही फोर में कितना होगा एन माइनस फोर, इस तरह से होगा। तो ये आपका एक फार्मूला जनरेट होके आया। अब हम अभी तुरंत ही इसके साथ हम इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगा वो देख लीजिएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, जो नंबर ऑफ कंपेरिजन है हर पास में। तो नंबर ऑफ कंपेरिजन कैसे काउंट होगा, आप देखिए जब टाइम कम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, अगर हम निकालें तो जो फर्स्ट पास पे थे टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना हुआ, फर्स्ट पास में टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन हुआ एन माइनस वन, प्लस सेकेंड पास में कितना हुआ एन माइनस टू, ऐसे ही एन माइनस थ्री। जब आगे हम पास चलते जाएंगे तो लास्ट में कितना होगा, कहीं ना कहीं तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, जहाँ पे इसकी वन आ जाएगी वहीं पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि देखिए हमेशा जो लास्ट पास होगा, लास्ट पास में हमेशा केवल केवल एक कंपेरिजन होगा, जब लास्ट पास आएगा तो वहाँ कंपेरिजन कितना होगा, वन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद फार्मूला आपका यही बनेगा एन, अगर सीरीज है देखिए सीरीज में चल रहा है एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अप टू एन तक, तो होता है एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ठीक है। अगेन इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट कोफिशियंट किसका है, हाईएस्ट कोफिशियंट एन स्क्वायर का है, तो अब हाईएस्ट कोफिशियंट वाले को ही हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में लेके चलते हैं, और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं हम टी एन टाइम कम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ओ एन स्क्वायर, यही आपका आ जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट
इसके जस्ट बाद हम आते हैं अब एल्गोरिथम पे। इसके एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, एल्गोरिथम क्या कर रहा है। एल्गोरिथम को वन बाय वन हम देखेंगे, इसी एग्जांपल को अभी हम रेफर कर सकते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अब हम एल्गोरिथम देखते हैं, इस एल्गोरिथम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं, और उसी एल्गोरिथम से हम इसको अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे बबल सॉर्ट है डेटा और एन डेटा, मीन्स डेटा आपका जो एरे दिया हुआ है इसी को हम कह सकते हैं डेटा है, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन मीन्स एन इक्वल टू कितना है, 5 है यहाँ पे, क्लियर है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में हम आते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, रिपीट स्टेप 2 and 3 फॉर k इक्वल टू 1 to n-1। ध्यान दीजिए जो यहाँ पे k माइनस वन है, एक 1 to k n-1 ये इसी को हम पास कर रहे हैं, पास 1 से n-1 तक चलेगा, मतलब पास चलेगा k इक्वल टू 1 से पास n-1 तक। इस केस में अगर देखें तो n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो कितने पास तक चलेगा, 5 minus 1 = 4, मतलब टोटल नंबर आप 4 पास चलेंगे इसमें, इस एग्जांपल में, ठीक है। अब हम आते हैं जब k इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट पास है, फर्स्ट पास में हम आते हैं तो हमने क्या किया, सेट ptr इक्वल टू 1। ptr एक हमने वेरिएबल लिया जिसको 1 से सेट कर लिया, इसको पॉइंट आउट करने के लिए। और रिपीट अगेन, अब हम व्हाइल लूप लगा रहे हैं यहाँ पे, रिपीट व्हाइल का लूप लगा के लगाने के साथ ही क्या कर रहे हैं, ptr मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू था इसकी वैल्यू लेस देन n माइनस k, n माइनस k मतलब n माइनस k मीन्स 5 माइनस k। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू हमने ले रखा 1 पे चल रहे हैं ना, k की वैल्यू 1 के साथ ही पास 1 में चल रहे हैं, इक्वल टू कितना होगा 4। तो जाहिर सी बात है कि ये लूप कितनी टाइम चलेगा, 4 टाइम चलेगा। तो 4 टाइम मतलब कि 1, 2, 3, 4 टाइम इससे चलेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन यहाँ पे कितने होंगे, n-1 = 4, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कैसे करके। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ 4 है, कंपेरिजन क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा डेटा पी टी आर मतलब इस एरे का जो पी टी आर 1 था इसकी 1 वैल्यू है ग्रेटर देन डेटा पी टी आर प्लस 1, इससे ग्रेटर है, इसके एक लोकेशन जो पी टी आर प्लस 1 इससे ग्रेटर है, अगर ऐसा है तो इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ इंटरचेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा 20 और बाकी एलिमेंट सेम होंगे 25 और 15। नेक्स्ट, इसके बाद इसी लूप में सेट ptr इक्वल टू ptr प्लस 1। अब ptr को हम एक बढ़ा लेंगे, अभी ptr इसको पॉइंट कर रहा था, अब किसको करेगा, इस सेकंड वाले को, ठीक है। अब जब इसको पॉइंट करेगा देखिए फिर से आएगा यहाँ पे और कंपेयर करेंगे तो 2 है यहाँ 4 है, n माइनस के जो लूप में दिखा रहा है तो अगेन लेस है तो चलेगा, वो लूप चलता रहेगा। फिर से अगेन डेटा पी टी आर ग्रेटर देन मीन्स ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन डेटा पी टी आर प्लस 1, कंडीशन क्या है, अगेन कंडीशन ट्रू हो रही है, जब ट्रू हो रही है तो फिर से क्या होगा इंटरचेंज, तो इंटरचेंज कीजिए 19 पहले से यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ 20, 25 और 15, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसके बाद पी टी आर को फिर एक इंक्रीमेंट कर लेगा, पी टी आर ए में रह के थर्ड वाला लोकेशन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये लोकेशन हो जाएगा पी टी आर पे। अगेन अब आइए यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगा फिर अब कंपेयर किसको करेगा, इसकी इससे कंपेरिजन करेगा, क्योंकि हमेशा देखिए अपने से एक ज़्यादा के साथ ही कंपेरिजन कर रहा है यहाँ पे, तो कंपेरिजन करेगा तो अपने ऑर्डर में ही है, ऑर्डर में है तो अगेन ये काम नहीं करेगा, इंटरचेंज नहीं करेगा, अब पी टी आर को आगे बढ़ा लेगा, पी टी आर अब किसको ले लेगा, इसको, अब इसको इसको कंपेयर करेगा, कंपेयर करेगा तो अगेन देखिए ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, फिर क्या करेगा इंटरचेंज करेगा, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, 19, 13, 20 और 15, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से पास 1 कंप्लीट हुआ। पास 1 कंप्लीशन में टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने हुए, देखिए एक तो कंपेरिजन इसका हुआ 1, 2, 3, 4, 4 कंपेरिजन हुए, मतलब n-1 इस केस में n-1 कंपेरिजन हुए। इसी तरीके से जब पास 2 में चलेंगे तो पास 2 चलने से पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अरे का जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो कहाँ पहुँच गया, लास्ट लोकेशन पे। अब जो चलेगा यहाँ पे लूप चलेगा, k की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा पास 2 में, और पास 2 में हो जाएगा तो जो यहाँ कंडीशन चलेगा कहाँ तक चलेगा, n-2 मतलब केवल 5-2,
मतलब थ्री लोकेशन तक चलेगा। तो थ्री तक चलेगा मतलब कितने कंपेरिजन होंगे, तीन कंपेरिजन। इसी तरह से लास्ट पास में कितने कंपेरिजन होंगे, वन कंपेरिजन। होप सो आपको एल्गोरिथम, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और साथ में उसके कम्प्लेक्सिटी सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सर्चिंग टेक्निक्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।